हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल में जब आपको एडमिट कर देते हैं, मतलब प्रेगनेंट डिलीवरी के टाइम पे, उसके बाद आपके साथ क्या क्या प्रोसीजर किया जाता है, सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले जो मेरे चैनल में न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक लाती रहूं। वैसे कुछ टाइम से, मतलब कुछ मंथ से वीडियोज नहीं बना पा रही हूं, बिजी थी एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से। कभी कहीं हम मतलब भाग ही रहे कंटिन्यू, तो मैं ट्राई करूंगी कि रेगुलर वीडियोस बनाऊं। तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन कौन सी वीडियोस मैं बनाऊं, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो यहां पर। अब जब आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, किस बेस पे किया जाएगा, जब आपकी पूरी ड्यू डेट आ जाएगी, यानी कि ड्यू डेट आपकी आज कंप्लीट होगी, तो उसके अगर एक दो दिन ऊपर होगी उसके बाद आपको एडमिट कर देंगे, चाहे पेन हो या ना हो तब भी आपको एडमिट करेंगे। नेक्स्ट रीजन ये होगा कि आपको पेन स्टार्ट हो चुका है हल्का सा, तो भी आपको एडमिट कर देंगे अगर डायलेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद अगला रीजन ये होता है कि आपका वाटर ब्रेक होता है। वाटर ब्रेक मतलब प्रेगनेंसी में कभी भी हो सकता है, 7 मंथ के बाद भी हो सकता है, 8 मंथ के बाद भी हो सकता है, पेन उठने से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। जनरली तो पेन उठने के बाद होता है, पर किसी किसी केस में वो पहले भी वाटर ब्रेक हो जाता है। तो अगर आपका वाटर ब्रेक हो गया फिर तो आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी करनी पड़ती है, ताकि पानी खत्म ना हो और बच्चे को ऑक्सीजन पूरी सप्लाई हो। अगर आपका पानी खत्म हो जाएगा तो फिर बच्चे को दिक्कत हो जाती है, तो उस केस में जल्दी डिलीवरी करनी पड़ती है, बस ये डिफरेंस होता है। अब जब आपको एडमिट कर दिया जाता है उसके बाद क्या किया जाता है, इंटरनल चेकअप। आपको पता ही होगा कि आपकी डिलीवरी कब होगी, जब आपका डायलेशन 10 सेंटीमीटर होगा। अब ये डायलेशन क्या होता है, यानी कि जो आपकी बच्चादानी है उसके मुंह के खुलने को हम कहते हैं डायलेशन। तो बच्चादानी का मुंह जब 10 सेंटीमीटर इतना खुल जाएगा तभी डिलीवरी होगी। तब वो डायलेशन कैसे चेक करते, इंटरनल चेकअप के थ्रू। तो आपको पता होगा प्रेगनेंसी में इंटरनल चेकअप होता रहता है, तो इंटरनल चेकअप यानी कि वो हार्ट डाल के, जो आपके वजाइना में हार्ट डाल के चेकअप करते हैं कि बच्चे का सर नीचे आया कि नहीं। तो ऐसा वो मतलब 3 से 4 या 4 से 5 बार भी चेक कर सकते हैं, हर आर में वो चेक करने आते हैं। इंटरनल चेकअप आपका बहुत बार होता है इस दौरान, जब तक आपको पेन बना रहता है, इसी से वो पता करेंगे कब आपकी डिलीवरी होने वाली है। अब नेक्स्ट थिंग, वो पेन की इंटेंसिटी चेक करेंगे। अगर आपको पेन कम आ रहा है तो वो क्या करेंगे, आपको आर्टिफिशियल पेन देंगे पेन बढ़ाने के लिए। अगर पेन नहीं बढ़ रहा, कई बार क्या होता है कि हमारा पेन बढ़ता ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर ले पेन आपका आ ही नहीं रहा है, तो उसके बाद वो आर्टिफिशियल पेन देंगे, जैसे कि कास्टर ऑयल, जो कि मुझे दिया था कास्टर ऑयल, उससे भी पेन उठ जाता है। किसी का कास्टर ऑयल के यूज करने के बाद भी पेन नहीं उठता है, तो फिर ड्रिप या इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल पेन देके वो डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं, अगर आपको नेचुरल पेन नहीं आता है। पहले वो वेट करते हैं पेन आने का, पर अगर बहुत ज्यादा टाइम हो गया या बच्चे की हार्ट बीट लो होगी, तो इस केस में वो क्या करते हैं कि डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको आर्टिफिशियल पेन दे सकते हैं इस केस में। अब इस दौरान जब आपको पेन उठ गया है, तो बीच बीच में वो बच्चे की हार्ट बीट भी चेक करेंगे। बच्चे की जो हार्ट रेट है वो लो नहीं जाना चाहिए। किसी किसी केस में क्या होता है, बच्चे की जो हार्ट रेट है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि गिरना स्टार्ट हो जाती है, उस केस में भी इमरजेंसी डिलीवरी वो करा देते हैं। तो बार बार वो बच्चे की हार्ट बीट डॉपलर के थ्रू चेक करेंगे, और पूरी नजर वो रखते हैं, मतलब हर आधे घंटे या एक घंटे में कोई ना कोई चेक करने आएगा, इंटरनल चेकअप होगा, हार्ट बीट चेकअप होगी। तो इस बीच क्या होता है कि आपको जब डायलेशन 10 सेंटीमीटर हो जाता है तभी लेबर रूम में ले जाया जाता है, तो डॉक्टर चेक करके आपको बता देगी कि अब आपका टाइम आ गया है कि आपको हम लेबर रूम में ले जाएंगे। तो लेबर रूम का प्रोसीजर उसके बाद होता है, जब आपका डायलेशन 10 सेंटीमीटर पहुंच जाता है। इस बीच में नर्सेस तो लगभग आपके साथ रहती है, बीच बीच में आपको सपोर्ट भी करती है, क्योंकि जो मेरे साथ नर्सेस थी उन्होंने इतना सपोर्ट किया, जब मुझे मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा था तो उन्होंने हाथ पकड़ा, फुल सपोर्ट किया, मुझे बताया ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि उसकी भी पोजीशंस रहती है जिससे कि आपका पेन कम हो, तो वो सारी पोजीशंस नर्स बताती है। नर्स अगर कोऑपरेटिव हो तो फिर तो आपको डिलीवरी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर थोड़ी सी नर्सेज की दिक्कत रहती है, कई बार वो इतनी कोऑपरेटिव नहीं होती, बट जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर तो लगभग सारी नर्सेज बहुत कोऑपरेटिव रहती है। तो इस प्रोसीजर में आपको नर्सेज भी कोऑपरेट करेगी, डॉक्टर भी कोऑपरेट करेंगे, और आपके साथ कोई मतलब घर वाले तो होंगे, तो ये टाइम इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको हॉस्पिटल पहुंचने के बाद। और एक चीज, वो एनिमा भी देते हैं, ये इसलिए दिया जाता है ताकि आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाए। तो कुछ कुछ केसेस में ये भी दिया जाता है, अगर आपके मतलब कॉन्स्टिपेशन दिक्कत है या फिर, और आपके पेट साफ करने के लिए आपको एनिमा भी दिया जाता है,
जिससे कि आपका पेट पूरा साफ हो जाए डिलीवरी से पहले। तो बस यही वाले प्रोसीजर होता है जब आपको हॉस्पिटल में एक बार एडमिट कर लेते हैं। आपके पेन इंटेंसिटी को देखा जाता है, पेन नहीं हो रहा तो उसको बढ़ाया जाता है या नेचुरल पेन का वैसे वेट करते हैं मैक्सिमम। जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है बच्चे को या दिक्कत हो तो वो आर्टिफिशियल पेन देते हैं या सीजेरियन ऑप्शन भी कर लेते हैं अगर आपका पेन नहीं उठ रहा है किसी भी तरीके से। तो बस वैसे कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, पूरा स्टाफ कोऑपरेटिव होता है, आपकी फैमिली आपके साथ होती है, तो ये टाइम बिल्कुल अच्छे से कट जाता है। इसको लेकर बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की आपको जरूरत नहीं है। सो हैव अ हेल्दी डिलीवरी, जिनकी डिलीवरी अभी होने वाली है कुछ महीनों में या फिर अभी रिसेंट नेक्स्ट मंथ में, तो प्लीज प्लीज अपना ध्यान ज्यादा रखें, क्योंकि जो अभी बीमारी चल रही है कोरोना, इसमें आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल अपनी प्रिकॉशंस लें और नन्हे मुन्ने बच्चे को भी बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ ही रखें जब तक आप हॉस्पिटल में रखोगे। तो ये थे मेरी एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने आपको बताया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे विद मी।